तो बच्चों जय हिंद, वेलकम है फिर से आपका एक बार। जो लेक्चर आज मैं लाया हूँ, जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, वो है आज लेक्चर क्लास नाइन्थ का, जिसमें ट्रायंगल का हम फोर्थ पार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर कर लिया था क्वेश्चन नंबर फिफ्थ तक ऑफ एक्सरसाइज 7.2। आज हम इसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर सिक्स, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या गिवन है, देखिए, ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलिस ट्राइंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू द पॉइंट डी सच दैट ए बी इज इक्वल टू ए डी एंड वी हैव टू प्रूव दैट बी सी डी इज अ राइट एंगल। एंगल बी सी डी को प्रूव करना है 90 डिग्री का। तो कैसे ये प्रूफ करना है समझेंगे हम। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं हमें प्रूफ क्या करना है। वी हैव टू प्रूव दैट एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमें ये गिवन है, ये इसका प्रूफ हो रहा है बेटा। यहाँ पर हमें ये गिवन है ए बी और ए सी इक्वल हैं। अगर हम यहां पर एंगल 1 और 2 से इसे रिप्लेस कर लेते हैं तो हमें मालूम है दो साइड अगर ट्राइंगल में इक्वल हो जाया करती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। सो एंगल 1 और एंगल 2 इन साइड के जो अपोजिट एंगल हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे और इसका रीजन होगा एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स। अब बेटा बी ए को प्रोड्यूस करा जाता है डी पॉइंट तक सच दैट ए बी इज इक्वल टू ए डी। मतलब यहां पर हमें जो ए बी है ये ए डी के इक्वल भी गिवन है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को यहां पर इक्वेट कर लें, रिलेट कर लें, तो ये दोनों ए बी की वैल्यू भी आपस में इक्वल हो जाएंगी, जिससे रिजल्ट निकलेगा AC is equal to AD। So हमने ये प्रूफ कर लिया AC और AD भी इक्वल होंगे। और क्योंकि इस वाले ट्राइंगल में ये दोनों साइड इक्वल हो गई तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो सकते हैं। तो इस रिजल्ट को निकालने के बाद एंगल 3 और एंगल 4 जो होगा ये भी इक्वल हो जाएगा। इसे हमने इक्वेशन नंबर सेकंड से डिनोट कर लिया। अब हम देखते हैं बेटा क्या होगा। जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है ये पूरा ट्राइंगल बी सी डी, इस वाले ट्राइंगल में अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे। मतलब तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। तो इन ट्राइंगल बी सी डी ट्राइंगल में हम यहां पर तीनों एंगल का सम फाइंड करेंगे। मतलब एंगल बी प्लस एंगल सी एंड प्लस एंगल डी जो 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो बेटा क्या कर लेना, देखिए एंगल बी यहां पर जो था ये हमने 1 एज्यूम किया था और एंगल सी का मतलब ये पूरा एंगल हो गया, जिसे हम लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3। नाउ एंगल डी जिसे यहां पर 4 से रिप्लेस किया गया है, मतलब 4 से डिनोट किया गया है। और अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें यहां पे प्रूफ करना है ये वाला एंगल 90 का होगा, इसका मतलब है हमें 2 और 3 एंगल चाहिए और बाकी के एंगल को हम रिप्लेस करेंगे। सो 1 को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, एंगल 2 से रिप्लेस कर सकते हैं और एंगल 3 यहां पर ऐसी रहेगा। एंगल 4 को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, एंगल 3 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहां पर एंगल 2, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 3 ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 3। और 2 अगर हम यहां से कॉमन फाइंड कर लेते हैं तो एंगल 2 और एंगल 3 का जो सम होगा ये 180 बनेगा। 2 से यहां पर हमने इसे कैंसिल करा और एंगल 2 प्लस 3 का मतलब हो जाएगा ये पूरा एंगल। सो इसे हम यहां पर रिप्लेस कर सकते हैं एंगल सी से, या फिर इसे हम लिख सकते हैं एंगल
बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के अच्छे क्वेश्चनों में आता है। सेवेंथ क्वेश्चन है बेटा नेक्स्ट जो हमें कर लेना है, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, और ये क्वेश्चन है एबीसी इज अ राइट ट्राइंगल इन विच एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एक राइट ट्राइंगल जिसमें एंगल ए 90 डिग्री का हमें गिवन है, और वी आर गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी। हमें क्या करना है, एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू को निकालना है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। ये वाला एंगल अगर 90 का है तो रिमेनिंग दो एंगल का सम जो है वो भी 90 होना चाहिए, या इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते हैं। हमने एंगल को डिनोट कर लिया एंगल वन से और इसे डिनोट कर लिया एंगल टू से। सो हमें यहां पर क्या गिवन है, ए सी इज इक्वल टू ए बी, इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। अब वन और टू इक्वल होगा, रीजन क्या होगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। देखिए दो थ्योरम है जो आपको ध्यान कर लेनी है, अगर साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, और एंगल अगर इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड भी इक्वल हो जाया करती हैं। एंगल है क्योंकि 90 डिग्री का है, तो मैं क्या करूंगा, रिमेनिंग जो एंगल रह गए हैं एंगल 1 और एंगल 2, इसके सम को मैं रख लूंगा 90 डिग्री के इक्वल। अब यहां पर 1 को हम 2 से रिप्लेस कर सकते हैं, या एंगल 2 को हम 1 से भी रिप्लेस कर सकते थे, और जब इसे ऐड करा जाएगा ये ट्वाइस ऑफ एंगल 2 90 डिग्री के इक्वल आएगा, इससे एंगल 2 आ जाएगा 45, क्योंकि एंगल 2 और एंगल 1 दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब है एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 एंड बोथ एंगल आर ऑफ 45 डिग्री। वैसे भी यहां पर अगर ये दो साइड इक्वल गिवन है तो इसका मतलब हुआ ये आइसोसेलीज राइट ट्राइंगल बनेगा, और आइसोसेलीज राइट ट्राइंगल में रिमेनिंग एंगल जो है वो 45 डिग्री के हुआ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो बेटा दिया है, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। शो दैट द एंगल ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। तो हमें यहां पर प्रूफ करना है इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो एंगल होंगे ये सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे, मतलब प्रूफ करना है ईच एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। तो कैसे प्रूफ करा जाएगा देखते हैं, बहुत सिंपल सा प्रूफ। एक ट्राइंगल एबीसी हमने कंसिडर कर लिया जो यहां पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और अगर ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका मतलब हुआ ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी, मतलब तीनों साइड की लेंथ यहां पर इक्वल होगी। सबसे पहले बेटा हमने इन दोनों को इक्वेट करा, क्योंकि तीनों इक्वल हैं तो हमें क्या करना है, इक्वेशन को फॉर्म कर लेना है। तो ए बी और ए सी इक्वल हैं, ए बी और ए सी अगर इक्वल हो गए तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। ए बी के अपोजिट जो एंगल है दैट इज एंगल सी, और ए सी के जो अपोजिट एंगल है ये है एंगल बी, जिसे हमने इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। अब हम यहां पर इन दो को इक्वेट कर लेंगे, मतलब ए सी इज इक्वल टू बी सी, और ये दोनों साइड अगर इक्वल हो गई हैं तो ए सी और बी सी के अपोजिट एंगल कौन कौन से होंगे, ए सी के अपोजिट हो गया एंगल बी, और एंगल बी के अपोजिट क्या हो गया, एंगल ए। तो इससे रिलेशन क्या आएगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, इसे हमने बना दिया है इक्वेशन नंबर 2, और हमारे पास यहां पर दो इक्वेशन बन गई। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 एंगल ए बी के इक्वल है, एंगल बी एंगल सी के इक्वल है। तो इन दोनों इक्वेशन से जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट इस तरह से मिलेगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। नाउ अप्लाइंग ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल ए बी सी, सो वी गेट सम ऑफ ऑल द एंगल
एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, 180 डिग्री, ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल, सो वी रिप्लेस एंगल ए बाय एंगल बी. एंगल बी एज इट इज रहेगा, रिप्लेसिंग एंगल सी बाय एंगल बी. मतलब यहां पर हमें क्या करना है, इस तरह से रिप्लेस कर लेना है कि यहां पर केवल एक ही एंगल रहे. जैसे हमने ए को बी से रिप्लेस कर लिया और सी को भी बी से रिप्लेस कर लिया, और जब हम यहां पर इसे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा थ्री टाइम्स ऑफ एंगल बी 180 डिग्री, यानी एंगल बी जो होगा वो 60 डिग्री का आ जाएगा. बी एंगल सी के इक्वल था और सी एंगल यहां पर ए के इक्वल था. इसका मतलब है एंगल ए और एंगल सी, एंगल बी, ये सारे एंगल 60 के होंगे, और यही हमें प्रूफ करना था. इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल द थ्री एंगल्स आर इक्वल. अब बेटा हम आगे बढ़ते हैं, और आगे इससे पहले हम क्वेश्चन करें, हमें यहां पर और क्राइटेरिया जान लेने होंगे, यानी और कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जिससे हम ट्रायंगल को प्रूफ कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंट. तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम 7.4 की तरफ. थ्योरम 7.4 जो हमें पढ़नी है, उसका स्टेटमेंट इस तरह से है. इसे कहा जाता है एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, यानी कि साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल. और इसका स्टेटमेंट इस तरह से है, इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल, देन द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. जिसका मतलब ये हुआ, किसी भी एक ट्राइंगल में अगर तीनों साइड किसी दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड के इक्वल हो जाती हैं, तो इस कंडीशन में ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं. और बेटा इस कॉन्ग्रुएंसी को बोला जाता है साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी. मतलब दोनों ट्राइंगल में तीनों साइड्स अगर आपस में इक्वल हैं तब ट्राइंगल होंगे कॉन्ग्रुएंट. तो बेटा मैंने यहाँ पर इसका प्रूफ नहीं कराया है, क्योंकि प्रूफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. और अगर आपको लगता है कि आपको इसका प्रूफ करना है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं इसका प्रूफ आपके लिए बना दूंगा, मतलब वीडियो ले दूंगा इसका प्रूफ का. नेक्स्ट जो हमें थ्योरम पढ़नी है, वो थ्योरम कहलाती है आर एच एस थ्योरम. तो आर एच एस थ्योरम क्या है, आर का मतलब होता है राइट, एच का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज, और एस का मतलब हो गया साइड. यानी इसे हम बोलते हैं राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड थ्योरम. इसका स्टेटमेंट है इफ इन टू राइट ट्राइंगल्स द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल, देन द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. यानी इस थ्योरम में दो राइट ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, और इसकी कंडीशन ये है दोनों राइट ट्राइंगल में एक तो हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए. मतलब दोनों राइट ट्राइंगल का जो आपस में हाइपोटेन्यूज होगा वो इक्वल होगा, और उसके अलावा कोई भी एक साइड इक्वल हो जाएगी. तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस थ्योरम में क्योंकि दोनों राइट ट्राइंगल हैं, इसका मतलब है दोनों में जो एंगल बनेगा वो 90 का ही बनेगा, और ये ज़रूरी है हाइपोटेन्यूज का इक्वल होना. दोनों की हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गई और कोई भी एक साइड अगर इक्वल हो गई तब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, और इसे कहा जाता है आर एच एस थ्योरम. तो बेटा इसका भी मैं प्रूफ नहीं करवा रहा हूँ. अगर आपको लगता है आपको करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसका वीडियो लेकर के आ जाऊँगा आपके लिए. सो इन्हें समझने के बाद अब हम एक्सरसाइज 7.3 में आएंगे, और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको इन दोनों थ्योरम का एप्लीकेशन भी मिलेगा, जिससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि इन थ्योरम का मतलब क्या है. तो हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1. तो बेटा एक फिगर यहां पर गिवन है, फिगर बना लेते हैं, फिर मैं क्वेश्चन को रीड करके एक्सप्लेन करूंगा, और इसके बाद मैं आपको इसका स्टेप वाइज सॉल्यूशन कराऊंगा.
सो एक ट्राइंगल वी आर गिवन, ट्राइंगल एबीसी एंड अनदर ट्राइंगल ट्राइंगल डीबीसी, और ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं। तो एक ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर लिया, दूसरा ट्राइंगल भी ये हमने ड्रॉ कर लिया है। दोनों ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं। कौन कौन से बेटा? एक तो ट्राइंगल एबीसी और दूसरा जो ट्राइंगल है वो है ट्राइंगल डीबीसी विद द सेम बेस बीसी। दोनों का जो बेस है वो सेम बेस है, और ये बेस है यहां पर बीसी। वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बीसी। दोनों वर्टेक्स ए और डी बीसी के सेम साइड में हैं, और एडी को एक्सटेंड करा जाता है जिससे ये बीसी को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, और ये पॉइंट है पॉइंट पी। इसमें हमें फोर पार्ट्स को प्रूफ करना है। तो फर्स्ट वाला जो पार्ट है जो हमें प्रूफ करना है, इसे हम यहाँ पे लिखेंगे और इसका प्रूफ करेंगे, जिसमें हमें क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। देखिए बेटा कैसा प्रूफ करा जाएगा, किस तरह से करा जाएगा, स्टेप को समझेंगे हम। ए बी सी ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब ये वाली दो साइड इक्वल हो गई। डी बी सी ट्राइंगल इज ऑल्सो आइसोसेलेस, इसीलिए ये वाली दो साइड भी हो जाती हैं इक्वल। और जिन दो ट्राइंगल को हमें यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ये रहे वो दो ट्राइंगल। आपको दिख रहा होगा ए डी दोनों में कॉमन है, ए बी यहाँ पर ए सी के इक्वल है, और बी डी जो है वो यहाँ पर सी डी के इक्वल है। सो दोनों ट्राइंगल आसानी से कॉन्ग्रुएंट हो गए, और इस कॉन्ग्रुएंसी को कहा जाएगा साइड साइड साइड, क्योंकि दोनों ट्राइंगल में अगर तीनों साइड इक्वल बन जाती हैं तो अभी हमने समझा था कौन सी कॉन्ग्रुएंसी बनती है, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। चलिए इसे प्रूफ करा जाए। तो दोनों ट्राइंगल में ए बी इज इक्वल टू ए सी, बी डी सी डी के इक्वल, और दोनों का जो रीजन होगा दैट इज गिवन। इसके बाद ए डी यहां पर कॉमन हो गया, और इस कंडीशन में ये ट्राइंगल यहां पर कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ट्राइंगल में साइड्स इक्वल हो चुकी हैं। तो यहां पर जो कॉन्ग्रुएंसी बनेगी इसे कहा जाएगा एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट में जानते हैं हमें क्या प्रूफ करना है। सेकंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है जो ट्राइंगल ए बी पी होगा दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल ए सी पी। तो बेटा अब हमें इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। देखिए इन दोनों ट्राइंगल में दिख रहा होगा आपको जो ए बी है ये यहां पर ए सी के इक्वल हो गया, और ए पी दोनों में कॉमन है। इसके अलावा एक रिजल्ट और हमें चाहिए होगा, वो रिजल्ट कहां से आएगा देखते हैं। अगर इस एंगल को हम 1 और इस एंगल को अगर हम 2 से रिप्लेस कर लें, ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में प्रूफ कर लिया गया था दीज टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, और ऐसे केस में अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होना चाहिए। इसका रीजन क्या होगा, बाय सीपीसीटी। सो ए बी हो गया एसी के इक्वल, एंगल 1 हो गया एंगल 2 के इक्वल, और इन दोनों में जो कॉमन साइड आ रही है ये कॉमन साइड कौन सी आ रही है बेटा, ए पी आ रहा है। तो ए पी दोनों में इक्वल हो जाएगा, और इसीलिए ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। यहां पर कॉन्ग्रुएंसी कौन सी बनेगी, दो साइड एंड एंगल इंक्लूडेड बिटवीन द साइड, जिसे कहा जाता है एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। दो पार्ट को हमने कंप्लीट करा। थर्ड वाला जो पार्ट है देखते हैं ये पार्ट में क्या कहा जा रहा है हमसे। ये प्रूफ करना है ए पी बाइसेक्ट द एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। देखिए बेटा जो ए पी होगा वो एंगल ए को बाइसेक्ट करेगा, ये तो बहुत क्लियर हो गया, क्योंकि ऑलरेडी ये प्रूफ करा जा चुका है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 सी पी सी टी से।
तो एंगल वन अगर एंगल टू के इक्वल हो गया, इससे क्लियर होगा जो एपी है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करेगा। नाउ अब हमें ये प्रूफ करना है जो एपी होगा वो एंगल डी को भी बाइसेक्ट करेगा। ये कैसे प्रूफ करा जाएगा, इसके लिए अब आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा इन दोनों ट्राइंगल पर जिसे मैंने क्रॉस मार्क किया है। ये प्रूफ हो गया एपी बाइसेक्ट एंगल है। अब हम कर रहे हैं एपी बाइसेक्ट एंगल डी। तो इसके लिए हमने क्या करा, दो ट्राइंगल को कंसीडर करा, इन ट्राइंगल बी पी डी एंड ट्राइंगल सी पी डी। इन दोनों ट्राइंगल में बेटा जो बी डी होगा ये सीडी के इक्वल है जो हमें गिवन था, और यहां पर जो डीपी है ये डीपी दोनों में कॉमन हो गया, और एक रिजल्ट और चाहिए जो मैं यहां पर लिख रहा हूं और इसका रीजन मैं आपको बता दूंगा। ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल होंगे, अभी यहां पर इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर लिया गया, इसका मतलब है यहां पर जो बीपी बन रहा है और जो सीपी बन रहा है ये भी इक्वल होना चाहिए, जिसका रीजन आएगा बाय CPCT। सो यहां पर तीनों साइड इक्वल हो गई, ऐसे केस में ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे। और यहां पर कॉन्ग्रेंसी जो बनेगी वो कौन कौन सी बनेगी, साइड 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 कॉन्ग्रेंसी से ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रेंट। और ट्राइंगल अगर बेटा कॉन्ग्रेंट हो गए हैं तो इसे 3 मानिए, इसे 4 मानिए। जब ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो एंगल 3 जो होगा ये एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा बाय सीपीसीटी। और इसका क्या मतलब हुआ, एपी यहां पर एंगल डी को कर रहा है बाइसेक्ट। ओके लास्ट पार्ट, एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब हुआ, एपी अगर बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इट मींस ये इसे बाइसेक्ट भी करेगा, जो ऑलरेडी प्रूफ हो चुका था सीपीसीटी से। तो फोर्थ वाले पार्ट में ये तो प्रूफ हो गया कि ये बाइसेक्टर होगा क्योंकि सीपीसीटी से हमने इसे प्रूफ कर लिया था, लेकिन अब ये प्रूफ करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। वो कैसे करेंगे देखिएगा, अभी हमने इन दोनों ट्राइंगल को प्रूफ करा है कॉन्ग्रेंट, और ये दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट हो गए तो ये वाले दो एंगल भी इक्वल होंगे। इसका मतलब है यहां पर जो एंगल बी पी डी होगा दैट इज इक्वल टू द एंगल सी पी डी, और इसका रीजन होगा वही सी पी सी टी। तो बेटा ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, लेकिन ये दोनों एंगल यहां पर क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये फॉर्म कर रहे हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के केस में क्या हुआ करता है, इन दोनों एंगल का सम यहां पर 180 हुआ करता है। सो इनका सम हो जाएगा 180 डिग्री। और क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, सीपीडी को हम यहां पर बीपीडी लिख देंगे, तो जब इसे बीपीडी लिखा जाएगा क्या बनेगा, सॉल्व करने के बाद ट्वाइस ऑफ एंगल बीपीडी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इससे जो एंगल बीपीडी होगा ये कितने डिग्री का आएगा, ये 90 डिग्री का आ जाएगा। और अगर बीपीडी 90 का बना बेटा तो ये सीपीडी के इक्वल है, तो ये दोनों कितने हो गए, 90-90 के हो गए, नहीं हो गए। और ये दोनों अगर 90 के हो गए तो इसका मतलब है एपी इज द बाइस परपेंडिकुलर, एपी परपेंडिकुलर टू बीसी। तो एपी बीसी के परपेंडिकुलर भी हो गया, और ऑलरेडी प्रूफ करा जा चुका था बीपी एंड पीसी आर इक्वल, इट मींस एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। सो ये कवर हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.3 को। अच्छी तरह से इसे आप लिख करके रिवाइज कर लीजिएगा। नाउ हम सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे। सो सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इस तरह से है, एडी इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलिस ट्राइंगल एबीसी इन विच एबी इज इक्वल टू एसी। सो हमने यहां पर
एक आइसोसेलेस ट्रायंगल को बनाना है और इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में वी आर गिवन एडी इज द एल्टीट्यूड। तो हमने यहां पर एडी को ड्रॉ कर लिया है, ये रहा एडी जो इसका एल्टीट्यूड होगा एंड वी आर गिवन ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो हमें यहां पर क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है जो AD होगा ये BC को बाइसेक्ट करेगा और AD एंगल A को भी बाइसेक्ट करेगा। देखिए बहुत सिंपल सी बात है बेटा, इन दोनों ट्राइंगल को अगर कॉन्ग्रेंट कर लिया जाए तो ये भी इक्वल हो जाएंगे और ये साइड भी इक्वल हो जाएंगी, यानी हमें कुल मिलाकर यहाँ पर ये काम करना है, इन दोनों ट्राइंगल को हमें प्रूफ कर लेना है। कॉन्ग्रेंट कैसे प्रूफ करेंगे पहले सुन लेते हैं फिर आपको लिखवाएंगे। यूज़ यहाँ पर हो रहा है RHS का, कैसे हो रहा है, देखिए दोनों ट्राइंगल राइट ट्राइंगल हैं और RHS जो है वो राइट ट्राइंगल में ही अप्लाई करी जाती है। दोनों ट्राइंगल यहाँ पर राइट ट्राइंगल हैं और हम देख सकते हैं दोनों का हाइपोटेन्यूज इक्वल है क्योंकि वी आर गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी, और इसके अलावा दोनों में एक साइड इक्वल होगी दैट इज ए डी साइड जो दोनों में कॉमन आ रही है, इसीलिए RHS से हो गए ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट। तो मैं आपको लिखाता हूं, देखिए इसको इस तरह से लिखना है, इन राइट ट्राइंगल्स ए डी बी एंड ट्राइंगल, मतलब वही राइट ट्राइंगल ए डी सी, ए बी एंड ए सी आर इक्वल जो हमें गिवन था और ए डी यहां पर दोनों में कॉमन हो जाएगा। सो यही हमने पढ़ा था, दो राइट ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं इफ देयर हाइपोटेन्यूज आर इक्वल एंड एनी अदर साइड इज ऑल्सो इक्वल। तो यहां पर दोनों का हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गया, इसके अलावा कोई भी एक साइड इक्वल हो गई, सो बाय RHS ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ADC और यहां पर इस कॉन्ग्रेंसी को कहा जाएगा राइट हाइपोटेन्यूज साइड। जब ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तब बेटा BD जो होगा वो किसके इक्वल होगा, CD के इक्वल होगा, और इसका रीजन लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं, चलिए लिख दिया फिर भी बता दिया आपको CPCT से। तो ये प्रूफ हो गया AD जो है वो BC को बाइसेक करेगा, जो हमारा यहाँ पर फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट क्या था, AD bisect the angle है, यानी एंगल 1 इसे हम मान लें और इसे अगर हम एंगल 2 मान लें तो इसी रीजन से एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल हो जाएगा और ये प्रूफ हो जाएगा AD bisect the angle A। सो ये हमने कवर कर लिया। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, रीड करते हैं और इसकी फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैं इसे रीड भी करते जाऊंगा और ड्रॉ भी करते जाऊंगा। ट्राइंगल्स वी आर गिवन ABC एंड हेयर AM इज द मीडियन, अनदर ट्राइंगल वी आर गिवन द ट्राइंगल PQR एंड इन दिस ट्राइंगल PN इज द मीडियन। तो ये बेटा दो ट्राइंगल बन गए, ABC ट्राइंगल और PQR ट्राइंगल, ये यहां पर मीडियन हो गया और वो वहां पर मीडियन हो गया, क्या दिया है, टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM। ओके बेटा AB ये हो गई एंड
बीसी का मतलब है ये पूरी नीचे वाली साइड हो गई पूरी साइड, एंड मीडियन दैट इज ए एम ऑफ वन ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द साइड पी क्यू, दैट इज ए बी किसके इक्वल होगा, पी क्यू के इक्वल होगा, बी सी किसके इक्वल होगा, क्यू आर के इक्वल होगा, और इसका जो मीडियन ए एम है ये किसके इक्वल होगा, पी एन के इक्वल होगा। हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल ये वाला ए बी एम ट्राइंगल एंड ट्राइंगल पी क्यू एन, दीज बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो देखिए जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है इस इन्फॉर्मेशन को पहले हम लिस्ट कर लेते हैं। तो हमें क्या क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, एंड ए एम इज इक्वल टू पी एन। सो बेटा क्वेश्चन करने से पहले एक प्रॉपर्टी का यूज होगा जिसे जान लेना बहुत जरूरी है। मीडियन क्या होता है, मीडियन का मतलब है एक ऐसी लाइन जो अपोजिट वर्टेक्स से ड्रॉ करी जाएगी और जिस साइड पे मीडियन गिरेगा उस साइड को ये बाइसेक्ट करेगा। मतलब ए एम अगर मीडियन है देन एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, सिमिलरली पी क्यू पी एन इज द मीडियन देन एन इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। तो हम यहाँ पर मीडियन की इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और इसके बेसिस पर ये हम प्रूफ कर लेंगे दीज टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो देखिए बेटा कैसे करना है समझिएगा। फर्स्ट पार्ट ट्राइंगल ए बी एम को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ट्राइंगल पी क्यू एन। अब यहां पर सबसे पहले हम एक रिजल्ट को फाइंड कर रहे हैं, जिस रिजल्ट को निकालने के लिए मैं यहां पर इस वाली रिलेशन का बेटा यूज करूंगा, BC QR इक्वल गिवेन है इस इक्वेशन में मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1/2, मतलब BC का हाफ कर देना है और यहां पर हमें QR का हाफ कर देना है। तो BC का अगर हम हाफ करेंगे मतलब BC का मिड पॉइंट, क्योंकि M यहां पर BC का मिड पॉइंट है, इट मींस BC का हाफ क्या होगा, इधर BM और CM, लेकिन हमें यहां पे BM लिख रहे हैं। तो BC के हाफ को बी एम और क्यू आर के हाफ को लिखा जा सकता है यहां पर क्यू एन। इतना क्लियर हो गया है। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, ये दोनों इक्वल हो गए, एक रिजल्ट हमारे पास आ गया। दूसरा रिजल्ट हमें दिया ही था ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, एंड थर्ड रिजल्ट दैट इज ऑल्सो गिवन, और वो रिजल्ट है यहां पर ए एम इज इक्वल टू पी एन। तो हमने यहां पर देखा बेटा इन दोनों ट्राइंगल में तीनों साइड हो गई हैं इक्वल, तो ऐसे केस में ट्राइंगल हो सकते हैं कॉन्ग्रुएंट, और इस कॉन्ग्रुएंसी को कहा जाएगा एस एस एस, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके बेसिस पर हमें एक रिजल्ट निकाल लेना है, और वो रिजल्ट ये होगा जो आगे सेकंड वाले पार्ट में काम आएगा। तो हमने यहां पर एक रिजल्ट को फाइंड कर लिया और वो रिजल्ट इस तरह से है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू बाय सी पी सी टी। और सेकंड पार्ट में अब हमें क्या प्रूफ करना है, किन दो ट्राइंगल को हमें प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट। वो ट्राइंगल है बेटा ये वाला ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। तो अब हम इन दोनों ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं। इन दोनों ट्राइंगल में ए बी साइड इज इक्वल टू द पी क्यू साइड, बी सी साइड इज इक्वल टू द क्यू आर साइड, और इसमें जो एंगल इंक्लूड हुआ है ये अभी हमने इक्वल प्रूफ करा। तो पहले हम यहां पर एंगल लिखेंगे और इसके बाद के स्टेप, चलिए इसका तो रोल वैसे भी हो चुका है इसे डिलीट कर देते हैं यहां से, एंड बी सी साइड
इज इक्वल टू द क्यू आर साइड जो हमें गिवन था, तो हमने देखा साइड इक्वल हो गई है एंड एंगल इंक्लूडेड बिटवीन द साइड आर ऑल्सो इक्वल, ऐसे केस में ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं और यहां पर कॉन्ग्रेंसी कौन सी बनेगी, एस एस साइड एंगल साइड। ओके बेटा, तो ये हमने यहां पर थर्ड वाले क्वेश्चन को प्रूव कर लिया जो इस एक्सरसाइज का एक अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा मैं आपको हर लेक्चर में बताता हूँ कि एक्सरसाइज के कौन कौन से क्वेश्चन अच्छे हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी हम रिवीजन करें तो हमें ध्यान लगाना होगा उन क्वेश्चनों पर जो उन एक्सरसाइज के अच्छे या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, बी एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग आर एच एस कॉन्ग्रेंस प्रूव दैट द ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलिस। सो हमें यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लेना है पहले और ये ट्राइंगल आइसोसेलिस ट्राइंगल है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। और इसे प्रूफ करने के लिए हमें जिस कॉन्ग्रेंसी का यूज करना है वो कॉन्ग्रेंसी कौन सी है, आर एच एस। सो ये ट्राइंगल बन चुका है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। एंड बी एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड, तो यहां पर हमें दो इक्वल एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेने हैं। ये हमने बेटा बी को ड्रॉ कर लिया और इसके बाद ये एल्टीट्यूड हमने सी एफ को कर लिया है ड्रॉ। तो ये हो गया एल्टीट्यूड बी ई और ये हो गया एल्टीट्यूड यहां पर सी एफ, यानी यहां पर जो एंगल बनेगा वो 90 का होगा। अब क्या दिया है, बी एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड, मतलब ये जो एल्टीट्यूड यहां पर हमें गिवन है इनकी लेंथ है इक्वल। तो पहले हम यहां पर जो गिवन है उसे लिखना चाहेंगे, और अब हम इसका प्रूफ करते हैं। इन दोनों ट्राइंगल को हम कंसीडर करेंगे, कौन कौन से ट्राइंगल, एक तो यहां पर होगा ट्राइंगल बी ई सी ट्राइंगल और दूसरा यहां पर बनेगा ट्राइंगल बी एफ सी ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल ट्राइंगल बी ई सी एंड ट्राइंगल बी एफ सी, बल्कि यहां पर हमें यह भी मेंशन करना पड़ेगा इन राइट ट्राइंगल, तो यहां पर लिख देते हैं इस तरह से राइट ट्राइंगल्स। ठीक है, तो जब भी यहां पर आर एच एस का यूज करा जाएगा तो मेंशन करना पड़ेगा पहले दोनों ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है। इन दोनों ट्राइंगल में देखिएगा बेटा, इन दोनों ट्राइंगल में जो बी सी होगा ये दोनों में कॉमन हो गया, इसका मतलब है ये इक्वल हो सकता है। इसके अलावा एक साइड ऐसी है जो दोनों में हमें इक्वल गिवन है, बी ई इज इक्वल टू बी, यहां पर किसके इक्वल गिवन है, सी एफ के इक्वल। सो बी जो है दैट इज इक्वल टू सी एफ। तो हमने देखा इन दोनों राइट ट्राइंगल में बी सी क्या था, इन दोनों ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज था, और हमने ये प्रूफ कर लिया हाइपोटेन्यूज इक्वल है। इसके अलावा एक साइड दोनों में इक्वल है और इस कंडीशन में हाइपोटेन्यूज और एनी अदर साइड अगर इक्वल हो जाया करती है तो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं बाय आरएचएस। तो आरएचएस से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। अब बेटा ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो देखिएगा बी ई सी ट्राइंगल में ये वाला एंगल सी बन रहा है और बी एफ सी ट्राइंगल में ये वाले ट्राइंगल में एंगल यहां पर बी बन रहा है। तो हम कह सकते हैं जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए देन एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी। रीजन आएगा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, और नहीं इसका रीजन तो होगा बेटा सी पी सी टी, क्योंकि ये सी पी सी टी से इक्वल हुआ है। अब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, जब ये एंगल इक्वल हो गए इनके अपोजिट साइड इक्वल होगी, सी के अपोजिट साइड कौन सी है ए बी और एंगल बी के अपोजिट साइड कौन सी है ए सी। इसका रीजन होगा
साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल, इक्वल एंगल के अपोजिट साइड इक्वल हो जाया करती है, और ए बी ए सी अगर इक्वल हो गए, टू साइड्स आर इक्वल, देन ट्राइंगल ए बी सी मस्ट बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, और ये क्वेश्चन है ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद ए बी इज इक्वल टू ए सी। सो एक यहां पर आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन है, आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी सो ये बना आइसोसेलेस ट्राइंगल हमारा। सो ये फिगर कंप्लीट हो चुकी है, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी, यानी ए पी को बी सी के परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये शो करने के लिए कि एंगल बी और एंगल सी इक्वल होगा। मतलब हमें यहाँ पर क्या प्रूव करना है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। देखिए बेटा, इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रेंट अगर प्रूव कर लें, प्रॉब्लम इज सॉल्व। जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर रहे हैं। ये दोनों ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल हैं, राइट ट्राइंगल हैं। तो यहाँ पर लिखा जाए इन इन राइट ट्राइंगल ए पी बी एंड राइट ट्राइंगल ए पी सी। इन दोनों राइट ट्राइंगल में हम देख सकते हैं ए बी और ए सी इक्वल है, और ए बी ए सी के इक्वल होने का क्या मतलब है कि इनका हाइपोटेन्यूज इक्वल है। एंड ए पी साइड जो दोनों में बेटा क्या बन रही है, क्या बन रही है, कॉमन साइड। हाइपोटेन्यूज इक्वल हुआ, एक साइड जो कॉमन थी वो इक्वल हो गई, तो दोनों ट्राइंगल क्या कॉन्ग्रेंट नहीं हो पाएंगे, बिल्कुल हो पाएंगे। कौन सी कॉन्ग्रेंसी होगी, वो आरएचएस कॉन्ग्रेंसी होगी। जब ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, क्या प्रूफ करना था, बी इज इक्वल टू सी, और जब ट्राइंगल यहां पर कॉन्ग्रेंट हो गए तो बी और सी इक्वल हो जाएगा, और इसके लिए क्या आएगा रीजन, कॉमन रीजन है। तो यहां पर हमने 7.3 तक कवर करा, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे कवर करेंगे। तो बेटा पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, लिखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद बेटा।